समुंदरी जमात इस्लामी के सीनियर रुकन साबिक नाजिम जुल्फिकार अली सहूता हमारे नुमाइंदे फैसल शाहिद को इंटरव्यू देते हुए। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नजरिए की बुनियाद पर माजे वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क पर हमारे अजीम लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जेब के छोटे सिक्कों ने अहम मुद्दों पर कब्जा जमा लिया और मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर मुल्क के वसाइल को लूटा। हमेशा हर इलेक्शन को अपनी जाति मफादात के लिए चोरी करने किया और पाकिस्तान के वसाइल को लूटा। इस मुल्क के अंदर कर्जे लेकर अपने मफादात समेटे और असल नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पसे पुश डाल दिया और आज हालत जहां तक पहुंच गई किसी एस्टेब्लिशमेंट की उलादे सड़कों पे आके औरतें नारा लगा रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये शर्मनाक नारा असल में करप्शन की बुनियाद पर करप्शन की दौलत पे पले हुए जिस्म है जो पाकिस्तान के अंदर इसके असल नजरिए से खाइफ है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोककर आवाम को सही इस्लामी जमहूरी ममलकत बनाने में जमात इस्लामी का साथ दो और अपने नजरिए पे गामजन हो जाओ ताकि ये इस्तेमारी कुवतें आगे बढ़ के पाकिस्तान के वसाइल समेटने में कामयाब ना हो सके और पाकिस्तान मदीने की रियासत बने ताकि हम अल्लाह को राजी कर सकें और आवाम के अंदर खुशहाली ला सकें।